मेषराशि टीम, आपकी जिम्मेदारी बढ़ सकती है, कामकाज ज्यादा रहेगा, कामकाज की समस्याएं सुलझा लेंगे, धार्मिक और सामाजिक काम के लिए समय निकाल लेंगे, परिवार के साथ समय बीतेगा, नई शुरुआत की कोशिश होगी, थोड़ा धैर्य रखेंगे तो ज्यादातर परेशानियां खत्म हो जाएंगी, इनकम बढ़ने के योग है, बिजनेस और नौकरी करने वालों को फायदा होगा, किस्मत का साथ मिलेगा, कोई अच्छी खबर भी मिल सकती है, स्टूडेंट्स भी खुश रहेंगे, मेहनत बहुत होगी, दोस्तों और भाइयों से मदद मिलती रहेगी, आपके काम नहीं रुकेंगे। नेगेटिव, गृहस्थी के मामलों में कुछ चुनौतीपूर्ण स्थितियां बन सकती है, परिवार के मामलों में कुछ स्थितियां आपको परेशान करेंगी, आज आप किसी भी विषय पर अटके रहेंगे तो परेशानियां और भी बढ़ सकती है, क्या करें, माता के मंदिर में मेहंदी दान दे। लव, अविवाहित लोगों को शादी के ऑफर मिलेंगे, दिन भी अच्छा रहेगा, करियर बिजनेस करने वाले लोगों के लिए फायदे का समय है, निवेश का फायदा मिलेगा, स्टूडेंट्स के लिए दिन उतार चढ़ाव भरा रहेगा, आपके सोचे हुए काम पूरे तो होंगे लेकिन साथ वाले कुछ लोगों की राजनीति का शिकार भी हो सकते हैं, हेल्थ जरूरी चेकअप करवाते रहे, गले के रोग होने की संभावना है। मकान या प्लॉट संबंधी काम होने के योग बन रहे हैं, नए लोगों से मुलाकात भी सफल हो सकती है, महत्वपूर्ण और नई शुरुआत का मौका मिल सकता है, नाराज चल रहे लोगों का मूड आप ही ठीक कर देंगे, कुछ लोगों की भलाई के काम भी आप करेंगे, अपने काम में लगे रहे और अपने लक्ष्य पर कॉन्सेंट्रेट करें, पार्टनर के साथ रोमांस के कुछ अवसर मिलेंगे, कई दिनों से आप जो प्लानिंग कर रहे हैं आज आप उस पर काम भी शुरू कर सकते हैं, आपके बोलने के तरीके और मीठी बातों से लोग प्रभावित हो सकते हैं। नेगेटिव, ससुराल पक्ष के साथ आपके संबंधों में तनाव हो सकता है, कामकाज में थोड़ी गलतफहमी भी हो सकती है, महत्वपूर्ण कामों में किसी तरह की देरी हो सकती है, किसी योजना या काम में बदलाव करने पर आपका विरोध हो सकता है, आपकी इच्छा अनुसार काम नहीं होंगे तो आप आक्रामक भी हो सकते हैं, क्या करें, हल्दी का दूध पिए। लव, दिन की शुरुआत अच्छी नहीं होने से लव लाइफ में उतार चढ़ाव आ सकते हैं, किसी बात पर जीवन साथी से अनबन हो सकती है, करियर निवेश करते समय सावधानी रखें, पैसा डूबने से बच सकता है, वृष राशि के स्टूडेंट्स को ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, हेल्थ, माता की सेहत को लेकर सावधान रहे, पुरानी चोट या कट का दर्द बढ़ सकता है। मिथुन, पॉजिटिव ग्रह स्थिति अच्छी रहेगी, दिन भी फेवर में रहेगा, पैसों की स्थिति पर आप विचार करें, कुछ रोचक और नए अवसर मिल सकते हैं, आपकी ही राशि में चंद्रमा रहेगा, नई शुरुआत करनी होगी, आत्मविश्वास से काम करें, नकारात्मक विचारों पर ध्यान ना दें, ज्यादातर परेशानियां समय के साथ अपने आप सुलझ सकती है, आप चिंता ना करें, आपको विवाह प्रस्ताव भी मिल सकते हैं, बिजनेस में कुछ बदलाव का मन बन सकता है, राजनीतिक क्षेत्र में भी समय अच्छा है, नेगेटिव, किसी भी बात पर संकोच ना करें, कुछ उथल पुथल भी हो सकती है, ऑफिस में कुछ खींचतान और परेशानियों वाली स्थिति बन सकती है, मन में असुरक्षा की भावना आ सकती है, किसी बात को लेकर दूसरों पर शक भी कर सकते हैं, कुछ स्थितियां उलझ भी सकती है, कुछ विषय की बातें आप समझ नहीं पाएंगे, क्या करें, दाहिने पैर के अंगूठे पर खोपरे का तेल लगाएं, लव पार्टनर से सहयोग और पैसा मिलेगा, दाम्पत्य जीवन में खुशहाली रहेगी, करियर बिजनेस में नई योजनाएं बन सकती है, लेन देन में सावधानी रखें, कुछ स्टूडेंट्स आज मिलने वाले नतीजों से असंतुष्ट हो सकते हैं, हेल्थ, मौसमी बीमारियों से सावधान रहे। कर्क, पॉजिटिव, आपका ध्यान संतान और शिक्षा की तरफ रहेगा, आज आप पॉजिटिव नजरिया रखेंगे तो दिन अच्छे से बीत जाएगा, आने वाले दिनों में आपको नए अवसर मिलेंगे, योजना बना लें और समय का भी इंतजार करें, नेगेटिव, आज आप बोलने में ध्यान रखें, आसपास या साथ का कोई व्यक्ति आपकी बात का गलत अर्थ निकाल सकता है।
आज खर्चा भी ज्यादा हो सकता है, जीवन साथी से भी अनबन हो सकती है। कर्क राशि के लोग नशे से दूर रहे, फालतू दिखावा ना करें। गोचर कुंडली के 12वें भाव में चंद्रमा होने से पैसों से जुड़ी उथल पुथल रहेगी। क्या करें, भैरव मंदिर में चमेली का तेल दान दें। लवलव लाइफ के लिए दिन थोड़ा मिला जुला रहेगा। करियर नौकरी पेशा लोगों को सावधानी से काम करना चाहिए। स्टूडेंट्स को मेहनत करनी होगी। कुछ स्टूडेंट्स को शारीरिक परेशानी भी हो सकती है। हेल्थ सेहत के लिए दिन ठीक नहीं है। पेट भी खराब हो सकता है। मानसिक तनाव भी रहेगा। सिंह पॉजिटिव प्रेमी या अपने परिवार के सदस्यों के साथ ज्यादा समय बिताने की कोशिश कर सकते हैं। जिन लोगों को आपकी जरूरत है उनसे मुलाकात हो सकती है। दूसरों की मदद करेंगे। लोग क्या सोच रहे हैं और उनकी भावना क्या है, आज आप यह बिना बताए समझते रहेंगे। किसी बात या स्थिति से आपकी सोच बदल जाएगी। यह बदलाव भी आज जरूरी है और आपके लिए सकारात्मक भी रहेगा। पैसों का फायदा और कार्यक्षेत्र में कोई उपलब्धि आपके नाम होने की संभावना बन रही है। नेगेटिव, कोई दोस्त या नजदीकी व्यक्ति आपको परेशान भी कर सकता है। आप कई तरह के कामों में उलझ भी सकते हैं। दिन में कई बार आप कंफ्यूज हो सकते हैं। प्रेम संबंध टूटने का डर भी रहेगा। दलालों का काम करने वाले लोगों को कुछ नुकसान भी हो सकता है। क्या करें, हनुमान मंदिर में लाल लंगोट चढ़ाएं। लव पार्टनर के व्यवहार से सावधान रहें। एकदम प्रतिक्रिया ना दें। आपके संबंध भी टूट सकते हैं। करियर जोखिम भरे सौदे ना करें। उधार दिया पैसा भी वापस आने के योग बन रहे हैं। स्टूडेंट्स को मेहनत से कुछ कम परिणाम मिलेंगे। हेल्थ, पुराने रोगों से छुटकारा मिल सकता है। सिंह राशि वाले लोगों की सेहत पहले से थोड़ी सुधर सकती है। कन्या पॉजिटिव दिन अच्छा है। कोई अच्छी खबर मिल सकती है। संचार साधनों से फायदा हो सकता है। आपके लिए ज्यादातर चीजें बहुत आसानी से सुलझती जाएंगी और निपट भी जाएंगी। दोस्तों और कई तरह के कामकाज के साथ दिन बीत सकता है। समस्याओं का कोई रचनात्मक समाधान निकालने की पूरी कोशिश भी करेंगे और आप सफल हो जाएंगे। अचानक धन लाभ होने की भी संभावना है। किए गए अच्छे कामों की तारीफ हो सकती है और उन कामों का फायदा आपको कुछ दिनों बाद जरूर मिलेगा। नेगेटिव, आप ले कोई बात समझ लें फिर कोई वादा करें। आपके सामने कुछ बातें या ऐसी स्थितियां बन सकती हैं जो अपेक्षा से अलग हो सकती हैं। कुछ लोग आपका विरोध भी कर सकते हैं। कुछ लोगों के साथ गलतफहमी भी हो सकती है। अपने ही लोग किसी बात पर आपको दोष दे सकते हैं। क्या करें, किसी भी साधु या संत को मिठाई देकर प्रणाम करें। लव, आज आप अपने जीवन साथी के साथ कहीं घूमने जा सकते हैं। करियर, साझेदारी के बिजनेस में फायदा हो सकता है। स्टूडेंट्स के लिए दिन अच्छा है। हेल्थ, आज आपकी सेहत ठीक रहेगी। तुला पॉजिटिव, कुछ नए अनुभव भी हो सकते हैं। पुराने दोस्त या साथी मिल सकते हैं। कुछ ऐसे लोगों से मुलाकात होगी जिनके पास पैसे कमाने के बहुत अच्छे विचार या मौके हैं। लोगों की मदद से आपकी इनकम बढ़ सकती है। कामकाज में धीरे धीरे वापस गति आएगी। करियर में आगे बढ़ने के कुछ नए मौके मिल सकते हैं। व्यावहारिक योजना बनाएंगे और उस पर काम शुरू कर देंगे। इससे अच्छी सफलता मिलेगी। परिवार और खुद के लिए जो प्लानिंग करेंगे वो जल्दी पूरी हो जाएगी। पार्टनर से संबंध अच्छे हो सकते हैं। मानसिक सहयोग की जरूरत है जो आपको पार्टनर से मिलेगा। नेगेटिव, जल्दी आगे बढ़ने के चक्कर में किसी भी तरह के शॉर्टकट से बचें। अनजान लोगों पर भरोसा करेंगे तो धन हानि हो सकती है। आज आप पर पैसों को लेकर किसी तरह का दबाव भी हो सकता है। क्या करें, माता जी के मंदिर में श्रृंगार की वस्तुएं चढ़ाएं। लव, पति पत्नी के बीच गलतफहमी दूर होगी। दाम्पत्य जीवन भी सुखमय रहेगा। करियर, आर्थिक मामलों में दिन आपके लिए अनुकूल रहेगा। कुछ स्टूडेंट्स के लिए समय थोड़ा नकारात्मक भी हो सकता है। हेल्थ, पिता की सेहत को लेकर चिंता रहेगी। आपकी सेहत भी बिगड़ सकती है। वृश्चिक पॉजिटिव, अपने कॉन्टैक्ट मजबूत करने का समय है। आज शांत रहे, अपने तन और मन पर ध्यान दें।
जहाँ तक हो सके व्यावहारिक रहे। आज आपको मौज मस्ती के साथ कुछ नया सीखने का भी मौका मिल सकता है। खास काम थोड़ा रुक कर करें तो आपके लिए अच्छा है। अपना व्यवहार लचीला रखने की कोशिश करें, इससे आपको फायदा हो सकता है। नेगेटिव चंद्रमा की स्थिति ठीक नहीं है। रोमांस के मामलों में थोड़ी उलझन महसूस हो सकती है। हर काम सावधानी से करें, आपका पैसा अचानक रुक भी सकता है। विचार और आपकी भावनाओं में टकराव भी हो सकता है। व्यक्तिगत संबंधों में कुछ चुनौतीपूर्ण स्थितियां बन सकती है। क्या करें? गणेश जी को प्रसाद चढ़ाएं। लव पार्टनर की भावनाओं का सम्मान करें, पार्टनर बहुत भावुक रहेगा। करियर वर्क प्लेस पर विवाद हो सकता है। नई योजनाएं शुरू ना करें तो ही अच्छा है। मेहनत के अनुसार नतीजे कुछ कम ही मिलेंगे। कुछ स्टूडेंट्स के लिए समय अच्छा रहेगा। हेल्थ, इस राशि वालों की सेहत अच्छी रहेगी। धनु, पॉजिटिव, कुछ मामलों में शांत रहे और नए सिरे से विचार करेंगे तो पैसे कमाने के कुछ नए तरीके दिमाग में आ सकते हैं। नौकरी और बिजनेस के मामले सुलझ जाएंगे। साझेदारी के काम में आगे बढ़ते जाएंगे। आमदनी और पद लाभ हो सकता है। नई योजनाओं के ऑफर मिलेंगे। नेगेटिव, आपने जो प्लानिंग की है उसे बार बार ना बदले। आज आप भावुक हुए तो किसी ना किसी मुद्दे पर बिजनेस पार्टनर या जीवन साथी के साथ बहस हो सकती है। कुछ मामले उलझ भी सकते हैं। क्या करें? शिवलिंग पर जल चढ़ा कर वो जल सिर पर लगाएं। लव प्रेमियों के लिए दिन शुभ रहेगा। पार्टनर से सहयोग और प्रेम मिलेगा। करियर, सरकारी कर्मचारियों के लिए दिन अच्छा रहेगा। अधिकारियों से सहयोग मिलेगा। स्टूडेंट्स के लिए भी दिन अच्छा है। दोस्तों से समय पर मदद मिल जाएगी। हेल्थ, पेट संबंधी रोग होने की संभावनाएं हैं। मसालेदार भोजन से बचें। मकर, पॉजिटिव, महत्वपूर्ण और नजदीकी रिश्तों में मजबूती आएगी। रिश्तों में कुछ जरूरी बदलाव भी हो सकते हैं। ज्यादातर समस्याओं का समाधान भी हो जाएगा। आपकी कोशिशें कारगर साबित होंगी। पार्टनर और नजदीकी दोस्तों के साथ रोचक बातचीत होगी। आसपास के धार्मिक या राजनीतिक घटनाक्रमों से आपको फायदा हो सकता है। नेगेटिव, जो लोग निवेश की सलाह दें उनके चक्कर में ना पड़े, आपका नुकसान हो सकता है। थोड़ा चिड़चिड़ापन भी रहेगा। परिवार और पैसों की समस्याएं बढ़ सकती है। फालतू खर्चा भी बढ़ सकता है। किसी भस या टिप्पणी से दूर रहे। कागजी कार्यवाही में नुकसान होने की संभावना है। सावधान रहे, आप विवादों में भी पड़ सकते हैं। क्या करें? सूर्य को जल चढ़ाएं। लव पार्टनर से बातचीत में सावधानी रखनी होगी। कार्यक्षेत्र या कहीं और का गुस्सा पार्टनर पर ना निकालें। करियर, कार्यक्षेत्र में विवाद होने के योग है। बिजनेस में सफलता मिल सकती है। फायदा भी होगा। स्टूडेंट्स के लिए दिन अच्छा है। दोस्तों के साथ समय बीतेगा। अच्छी सलाह मिलेगी। हेल्थ, मानसिक अशांति रहेगी। तनाव, थकान और आलस्य रहेगा। कुंभ, पॉजिटिव, किसी नए काम की शुरुआत हो सकती है। ऐसा भी हो सकता है कि पुराने रुके काम फिर से शुरू हो जाए। ऑफिस में आपको एक्स्ट्रा जिम्मेदारी मिल सकती है, जिसको पूरा करने पर आने वाले दिनों में फायदा होगा। एक्स्ट्रा मेहनत से फायदा हो सकता है। दूसरों की मदद करेंगे, उसके लिए आपको कुछ एक्स्ट्रा कोशिश करनी पड़े तो कर ले। पुराने हिसाब किताब भी एक बार चेक कर ले, उनसे फायदा हो सकता है। घर और शहर से बाहर जाने का योग बन रहा है। नया वाहन खरीदने का भी मन बनेगा। कोई बड़ी परेशानी दूर हो सकती है। मकान या प्लॉट खरीदने का कोई काम शुरू किया तो सफल हो जाएंगे। नेगेटिव, किसी भी स्थिति में दूसरों की बुराई ना करें। लोगों के साथ टकराव हो सकता है या किसी के साथ गलत फहमी हो सकती है। ऑफिस में किसी साथी का काम आपको करना पड़ेगा। बिजनेस या नौकरी में अचानक काम का बोझ भी बढ़ सकता है। आप झुंझला भी सकते हैं। क्या करें? हनुमान मंदिर में सिंदूर से फैल स्वस्तिक बनाएं। लव जीवन साथी के साथ कहीं घूमने भी जा सकते हैं। दिन अच्छा रहेगा। करियर, बिजनेस के लिए समय अच्छा है। निवेश भी फायदेमंद रहेगा। स्टूडेंट्स को कोई अच्छी खबर मिल सकती है। हेल्थ, आपकी सेहत सामान्य रहेगी। सिरदर्द हो सकता है।
मीन पॉजिटिव, कुछ नया सीखने या किसी चुनौती से निपटने का मौका आपको मिल सकता है। ऑफिस में जूनियर से सहयोग मिल सकता है। दिन भर सकारात्मक नजरिया रखें, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। नए लोगों से मुलाकात के कुछ अच्छे मौके मिल सकते हैं। रोमांस के लिए समय निकाल लेंगे, रचनात्मक कामों में सफल रहेंगे, धैर्य से काम लेंगे और ज्यादा काम निपटा लेंगे। नेगेटिव, बच्चों या करीबी लोगों के साथ कठिन स्थितियां बन सकती हैं। किसी बात को लेकर दुखी भी हो सकते हैं। आज कामकाज भी ज्यादा रहेगा, दौड़ भाग हो सकती है। आज आप हर तरह के विवादों से दूर रहने की कोशिश करें। आज आप कहीं भी उलझने से खुद को बचाएं। क्या करें? लक्ष्मी जी को खीर का भोग लगाएं। लव पार्टनर के साथ समय बीतेगा, कहीं घूमने जा सकते हैं। करियर, आमदनी में बढ़ोतरी के योग बन रहे हैं। खर्चा भी ज्यादा हो सकता है। कार्यस्थल पर सहयोग मिल सकता है। स्टूडेंट्स आलस्य और थकान महसूस करेंगे। हेल्थ, अपनी सेहत पर ध्यान दें। पेट संबंधित बीमारियां हो सकती हैं।